चलिए लिखिए, अगला लिखिए। हम पढ़ाए थे बॉन्डिंग क्या होता है, फिर बताए थे बॉन्डिंग दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड और दूसरा फ्लेक्चर बॉन्ड, जिसे लोकल बॉन्ड भी कहे थे। तो हम अब दूसरा पढ़ेंगे क्या, लोकल बॉन्ड या फ्लेक्चर बॉन्ड। ठीक है, उसका चैप्टर ख़त्म। लोकल बॉन्ड, इसका एक और नाम है फ्लेक्चर बॉन्ड। यही टाइम है हाँ, लोकल बॉन्ड या फिर फ्लेक्चर बॉन्ड। अरे यार इसमें मत रोया करो तुम लोग, इतना तेज कौन रो रहा, छोटी बच्ची है। लोकल या फ्लेक्चर बॉन्ड, चलिए देखिए। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका बीम हो गया, ये क्या हो गया आपका बीम हो गया। ठीक है, जब बीम पे लोड लगेगा, जब बीम पे क्या लगा, लोड लगा, तो इसका बेंडिंग होगा, एकदम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, यानी प्रत्येक काट पे क्या मिलेगा आपको, बदलता हुआ मिलेगा। हम सिर्फ दो जगह की बात कर रहे हैं, हम दो किसी काट को ले लें, इस काट को ले लिए जिसकी लंबाई कितनी है डी एक्स, लंबाई कितनी है डी एस है, समझ रहे हैं। अब देखिए सिर्फ दो काट की हम बात करें तो ए हो गया ऊ वाला, ऊपर वाला काट जिसकी लंबाई कितनी है डी एक्स, जिसकी लंबाई कितनी है भाई डी एक्स है ना। चलिए इसको मोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है मोड़ दिए तो ज़्यादा समझ, जिसकी लंबाई कितनी है डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है वही है, अब समस्या होने लगी रहना जी, डी एक्स है। ऊपर हम बी एम डी बना दिए हैं, समझ आ जाएगा। इस पर लोड भी लगा दे रहे हैं। अब देखिए, अब प्रत्येक काट पे ए बेंडिंग मोमेंट चेंज कर रहा है, कितना भी दूरी ले लें अलग अलग बेंडिंग मोमेंट होगा। माना यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना है एम, कितना है एम इस काट पे, यानी एक एक काट पे, इधर कौन सा काट, दो दो काट, कहीं भी काट हम ले सकते हैं। ठीक है हाँ, एक एक काट मतलब इससे इधर बेंडिंग मोमेंट अधिक होगा, इधर अधिक होगा बेंडिंग मोमेंट है कि नहीं है, देख लीजिए। तो इधर माना बेंडिंग मोमेंट एम प्लस डेल एम, हो गया कि नहीं हो गया, होगा एकदम कन्फर्म है, एक तरफ इतना होगा। अब बताइएगा हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो एम होता है ना वो क्या होता है टी गुणे जेड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, इंटू लीवर आर्म होता है। अब कहेंगे टेंसाइल क्यों लिए, कंप्रेसिव भी ले सकते हैं, तो छड़ को किस जोन में डालते हैं, टेंसाइल जोन में, तो वही तो हम बॉन्डिंग को देखेंगे, तो हम किसको ले लिए टेंसाइल जोन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, तो एम यू एम के बराबर होता है। तो हम देखें कहेंगे काट एक एक पर, काट एक एक पर क्या हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू एम अपान में जेड, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, होगा। टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है इसे कहेंगे, या इसको रहने दीजिए, काट दो दो पर, काट दो दो पर टी टू क्या होगा एम प्लस डेल एम अपान में जेड, होगा ना टी गुणे एम अपान में जेड, तो दो दो पर एम प्लस डेल एम अपान में जेड, कोई दिक्कत है नहीं। लिखेंगे कि इन इन बलों के अंतर के कारण ही, अंतर के कारण तनन बल कितना हो जाएगा आपका टी टू माइनस टी वन, तो कितना हो जाएगा एम प्लस डेल एम अपान में जेड माइनस एम अपान में जेड, होगा कि नहीं होगा। तो तनन बल कितना आ जाएगा, तनन बल टी इक्वल टू डेल एम अपान में जेड, इन्हीं इतने तनन बल से क्या करेगा छड़ को खींच रहा है, इतने तनन बल से, कितने तनन बल से डेल एम अपान में जेड, तो भाई
कि देखिए इधर आपका बेंडिंग मोमेंट अधिक है, नहीं इधर फोर्स अधिक लगा होगा, यानी उधर से छड़ को क्या इधर टेंसाइल में खींच रहा है, तो अब वो बॉन्डिंग कमज़ोर रहेगा तो खींच जाएगा, खींचेगा, लेकिन हम देखेंगे भाई कि उसके अंदर बॉन्डिंग कितना है, कितना हमको है ना छड़ और कंक्रीट के बीच उत्पन्न प्रतिरोध बल, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, लिखेंगे कि स्टील और कंक्रीट के बीच उत्पन्न प्रतिरोध बल कितना होगा। देखिएगा वही प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल वाला काम करेंगे ना, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल वाला। तो देखिए प्रतिबल कितना होता है, टाउ बी डी होगा कि नहीं होगा, ये तो ये समझ आया टेंसाइल फोर्स। भाई हर जगह बेंडिंग मोमेंट अलग है तो फोर्स भी अलग होगा, क्योंकि लीवर आर्म में तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा है ना। तो देखिए कहीं Z1 Z2 नहीं लिखे, लीवर आर्म में कांस्टेंट है, तो यानी कहीं टेंसाइल फोर्स अधिक लग रहा होगा, कहीं कम लग रहा होगा, तो नेट टेंशन फोर्स जिसके कारण वो खींचना चाहेगा कितना होगा, डेल एम अपन में जेड। अब देखिएगा कि अब वो खींचता तो नहीं है, बॉन्डिंग कितना है भाई, तो उत्पन्न प्रतिरोध बल क्या होगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल हमको चाहिए। अभी उस क्षेत्रफल चाहिए तो भाई बॉन्डिंग दिखाना है, तो छड़ तो हमको दिखाना पड़ेगा है कि नहीं, छड़ हो गया, ये क्या हो गया आपका छड़ हो गया है ना। अब देखिएगा तो क्षेत्रफल हमको चाहिए तो पाई फाई है, हो गया ना पाई फाई इंटू डी एक्स, सेम पीछे वाला किया था इंटू डी एक्स, लेकिन इसमें कई छड़े रहती हैं, मेन बार कई रहता है कि नहीं रहता है, मेन बार क्या रहता है कई रहता है, तो इंटू क्या हो जाएगा एन, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे इसको, लिख देंगे समीकरण दो, तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था में क्या क्या जब लोड पड़ता है तो छड़ मतलब कि बॉन्डिंग अपना खो देता है, नहीं चाहेगा कोई छड़ अपना बॉन्डिंग खोए, वो चाहेगा हमेशा बॉन्ड बना रहे। तो संतुलन की अवस्था में इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन क्या करेंगे सेकेंड को, क्या इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि जितना बल लग रहा है हम चाहेंगे उतना मेरा बॉन्डिंग रहे है कि नहीं, जितना बल लगेगा हम चाहेंगे कि मेरा उतना ही बल रजिस्ट करे, उतने बल को रजिस्ट कर दे, यानी उतना ही बॉन्ड स्ट्रेस मतलब उतना ही बॉन्डिंग दे हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, डेल एम अपान में जेड इजकल टू, कल वीडियो बना दिए ऑन ही नहीं था, वही देख रहे थे ऑन है ना थर्ड ईयर पर, क्या हो जाएगा टाउ बी डी पाई फाई डी एक्स इंटू एन, हमको टाउ बी डी देख ले कितना हो जाएगा, टाउ बी डी इक्वल टू क्या मिलेगा डेल एम अपान में डी एक्स होगा और कुछ होगा पाई फाई एन इंटू जेड, कोई दिक्कत है। अब बताइए हम आपको शुरू में पढ़ाए थे क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं शियर फोर्स है ना, नमन अंगूर परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं शियर फोर्स। तो यहाँ देखिए डेल एम अपान में डी एक्स इजकल टू क्या कह देंगे हम लोग शियर फोर्स कहेंगे, लेकिन इसे कहते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स, क्या कहते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स, लिमिट स्टेट में देखेंगे। तो इधर क्या लिख देंगे वी यू अपान में पाई फाई एन इंटू जेड हो जाएगा, तो टाऊ बी डी इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको वी यू अपान, इसे कहते हैं सिग्मा ओ, क्या कहते हैं सिग्मा ओ इंटू जेड, सिग्मा ओ क्या है भाई, सिग्मा ओ क्या है पाई फाई इंटू एन, यानी सिग्मा ओ क्या है कुल परिधीय क्षेत्रफल, कुल छड़ों का परिधि क्षेत्रफल, बस पाई फाई वाला इंटू डी एक्स नहीं होगा, ए वाला कुल क्षेत्रफल नहीं, बस ए वाला क्रॉस सेक्शन वाला क्षेत्रफल रहेगा परिधि क्षेत्रफल है ना, पूरा एरिया नहीं सिर्फ ए वाला एरिया, ये बताइए समझ आया पक्का, तो फिगर बनाइए फिर।
लिखिएगा, लिखिए चित्र में एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हुआ है। सपोर्टेड बीम पर यूडीएल कार्य कर रहा है। लेकिन इसके डीएक्स लंबाई पर विचार करने पर लिखे काट एक एक पर नमन आघूर्ण एम तथा काट दो दो पर नमन आघूर्ण बढ़कर एम प्लस डेल एम हो जाता है। तो लेकिन हम जानते हैं इस पात में उत्पन्न, हाँ तो हम जानते हैं। अब लिखे अब बता रही है यहाँ तक उतारिएगा, अभी लिखवा लिख लीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए टाउ बी डी। हमको पता है क्या है, जहाँ टाउ बी डी क्या है भाई, बॉन्ड स्ट्रेस। जेड क्या है, लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा। वी यू क्या है, फैक्टर्ड या डिजाइन शियर फोर्स। ठीक है। उसके बाद सिग्मा ओ बड़ा सा बनाइएगा ओ। देखिए क्षेत्रफल काटने में कन्फ्यूज होंगे, सिर्फ परिधि है, कुल छड़ों की परिधि, क्योंकि सिर्फ पाई फाई है ही, डी एक्स खत्म हो गया। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। हाँ खेलते हैं, बतियाएँगे ज़्यादा। अगला लिखिए डेवलपमेंट लेंथ, विकास लंबाई। डेवलपमेंट लेंथ, विकास लंबाई, लेंथ डेवलपमेंट लेंथ यानी विकास लंबाई। देखिएगा इसमें लिखिए, हम जानते हैं, देखिए तो आप जानते हैं कि नहीं जानते, बस यही जानेंगे लोग आगे जो बैठे हैं और पीछे नहीं जानेंगे, कि 0.87 FYEST इजकल टू क्या होता है, टाऊ बी डी पाई फाई एल डी, होता है कि नहीं होता है, होता है। कहाँ से होता है भाई, डायरेक्ट बॉन्ड से, है कि नहीं। डायरेक्ट
डायरेक्ट बांड वाला जो फार्मूला था यही से निकाले थे हम। तो यहाँ से हमको क्या देखना है, कैसे आपको पता एलडी देखना है, गलत हमसे लगवा देंगे आप भी। टाउ बी डी, टाउ बी डी यदि हम निकाले तो क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई एस टी अपान में पाई फाई इंटू एलडी हो जाएगा। क्या पाई फाई को हम कहते हैं क्या, पाई फाई इज इक्वल टू सिग्मा ओ, कुल क्षणों का क्षेत्रफल फार्मूला बनाने के लिए। जैसे यहाँ पाई फाई ही तो है, बस यहाँ नंबर ऑफ बार है, यहाँ नंबर ऑफ बार एक ही है। तो हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं टाउ बी डी इक्वल टू 0.87 एफ आई ए एस टी सिग्मा ओ इंटू एल डी। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर हम जानते हैं और क्या जानते ही हैं, क्या जानते हैं भाई, अभी जानते, अभी हम जाने हैं क्या जाना है कि टाउ बी डी इक्वल टू वी यू अपान में सिग्मा ओ इंटू जेड, अभी जाने हैं जस्ट। तो भाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर होगा, है ना, क्यों हंस रहे आप लोग। हाँ वही तो, यही तो निकालना है, कौन सा, तो ये तो सिर्फ डायरेक्ट बॉन्ड का है ना, यहाँ से डायरेक्ट, और फिर फ्लेक्जर आएगा तो किस कैसे होगा। ये तो यहाँ से एलडी, तो एलडी का फार्मूला हम पीछे भी निकाल चुके हैं 0.87 टाउ बी डी, वो तो डायरेक्ट के लिए हो जाएगा, डायरेक्ट इस जो मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन और डायरेक्ट टेंशन के कारण जो आता है, जिसे डायरेक्ट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन फ्लेक्जर आएगा तब तो हमको दोनों में लगाना पड़ेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे 0.87 एफ वाई ए एस टी अपान में सिग्मा ओ इंटू एल डी इजकल टू वी यू अपान में सिग्मा ओ इंटू जेड हो जाएगा। सिग्मा ओ को ख़त्म कर दें। अब देखिए एल डी इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको, एल डी इजकल टू क्या मिल जाएगा भाई 0.87 एफ आई ए एस टी इंटू जेड होगा कि नहीं होगा, अपान में वी यू, अपान में वी यू हो जाएगा ना। तो यहाँ से एल डी इजकल टू क्या हो जाएगा एम वन अपान में वी यू, बस हो गया। अब एम एन अपान में वी यू क्या है, एम वन का वी यू तो पता है आपको, वी यू तो अभी पीछे पता था, फैक्टर्ड या डिजाइन शियर फोर्स, वाह तो जानकार लग रहा है, डिजाइन शियर फोर्स। एम वन क्या होता है, एम वन होगा 0.87 एफ आई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू, जेड का मान तो उतना ही होता है ना, एम वन इसी रखें, एम नहीं रखें, एम रखने का मतलब हो सकता है कि 0.36 वाला कोई लगा दे, एम वन मतलब छड़ वाला ही लगाना है, क्योंकि बॉन्डिंग छड़ और कंक्रीट के बीच दिखाया था, छड़ कहाँ रहता है, टेंसाइल जोन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ एम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, एम वन का मतलब कि यही छड़ वाला ही एम लगाना है 0.87 एफ वाई वाला। एक्स यू आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ देखने आप लोगों को एक्स यू का फार्मूला बोल दीजिए आप लोग, जीरो पॉइंट एट सेवन एफ आई एस टी, हाँ ठीक है हो जाएगा, वहाँ से एक्स यू निकल जाएगा। तो ये हो गया, नोट करिए, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ, इसको कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट नोट करिए क्योंकि सब दोनों हम जानते हैं। हाँ चलिए एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ लिखिएगा, एक लिखिएगा चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, ओए लिखिए चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, विकास लंबाई में जांच, कि कैसे आपको पता चलेगा कि इतना विकास लंबाई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सही है आपका,
वो हमको चेक करना है। कैसे चेक करना है कि जो एलडी होना चाहिए ना, जो एलडी होगा वो कम होगा या फिर बराबर होगा किससे, 1.3 M1 अपान में VU प्लस L0 AIS कोड के द्वारा। कैसा हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू IS कोड है ना, वो बता दिए सब कि जो आप निकालेंगे कि इतने लंबाई हमको डालना है ना, धंसाना है, फंसाना है कंक्रीट में, वो कैसे सही है तो हमको चेक करना पड़ेगा इस फार्मूले से कि जो LD आया रहेगा वो 1.3 M1 VU प्लस L0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर A वाला इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बराबर हो जाएगा तब भी सही है। VU आपको पता है, M1 पता है, L0 नहीं पता है। L0 को कहते हैं, ला देखिए मेरे दिमाग से उतर गया, एनकरेज लेंथ, थोड़ा देख के हमको बता दीजिए बुक से, एनकरेज लेंथ नहीं एडिशनल लेंथ भी कहते हैं, इक्का वाला जी एनकरेज होगा ना, स्पेलिंग बोल दीजिए तो ANCHOR AGE एनकरेज लेंथ है ना, एडिशनल लेंथ भी बोल सकते हैं, एनकरेज लेंथ जानते हैं क्या है, एनकरेज लेंथ वही वाला है जो किनारे पर जाकर कैसा मोड़ते हैं, छड़ को ले जाएंगे और मोड़ेंगे, मोड़ते हैं कि नहीं मोड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं मोड़ने वाले को, एनकरेज लेंथ। इसे क्या होता है और फिक्स हो जाता है, छड़ इधर उधर खींचने के चांस क्या हो जाती है और कम हो जाती है, सभी छड़ों को कोई भी छड़ को सीधा नहीं रखते, ले जाएंगे कोने पर नीचे के रास्ते मोड़ देंगे, जहाँ जैसे ज़रूरत रहेगी इसको ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे बहुत तरह से मोड़ा जाता है, इसी को कहे हैं एनकरेज लेंथ। ये कितना होता है, ये जो होता है ना L0 होता है, देखिए इफेक्टिव डेप्थ और 12 फाई, इफेक्टिव डेप्थ और 12 फाई में से जो अधिक हो, विच इवर इज ग्रेटर, यही एक ऐसा फार्मूला आता है ना कि जहाँ अधिक वाले को लेते हैं, 12 फाई, फाई में छड़ का व्यास और प्रभावी गहराई में से जो अधिक होगा उसी को क्या ले लेंगे हम, इनक्रेज लेंथ ले लेंगे। ये एक ऐसा फार्मूला आता है कि विच इवर इज ग्रेटर लिखते हैं, नहीं तो हमेशा लिस्ट को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे, AIS कोड द्वारा बताया गया, तो देखिए हम इसका डेरिवेशन कहीं से नहीं लाए हुए, डायरेक्ट आपको बता दिए, ठीक है। तो लिखिएगा चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू IS कोड, उसका उतार लीजिए। अब ये चैप्टर का सारा ख़त्म, अब दो न्यूमेरिकल बचा हुआ, ये चैप्टर द एंड हो जाएगा।